हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई वाली सॉक्स बनाना बताऊंगी मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे ये डिजाइन बनाएंगे और कैसे इस सॉक्स को हम बनाएंगे। तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने 7 डिजाइन बनाए हैं, इसमें 7 नंबर के लिए, 6-7 नंबर के लिए 7 डिजाइन। आप बड़ा बनाना है तो डिजाइन बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा बनाना है तो डिजाइन घटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है और देखिए बहुत ही सुंदर बन के आती है। फ्रेंड आज देखिए इन दो कलर से हम लेडीज़ के लिए थंब वाली सॉक्स बनाएंगे और ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ले रखी है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये दो गोले लेने हैं, जो भी आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि दोनों साइडें लगने हैं, तो अब हमने सिंगल धागे से यहाँ पर ऐसे आप धागा ले लीजिए सिंगल और ऐसे 51 फंदे डाल लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 51 फंदे। अब देखिए फ्रेंड 51 फंदे डालिए तो पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे। सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर दूसरी दिखाती हूँ आपको। तो अब देखिए फ्रेंड ये मैंने उल्टी सिलाई बना ली है। अब देखिए 6 फंदे हम यहाँ पे बॉर्डर के लिए रखेंगे, 6 हम इस साइड बॉर्डर के लिए और 7 पे हम डिजाइन बनाएंगे, 7 पे यहाँ डिजाइन बनाएंगे और 25 फंदे बीच के हम ये उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पे एक गोला जॉइंट करेंगे। ऐसे आप कोई सा भी गोला यहाँ पे जॉइंट कर लीजिए ऐसे। ये हमने कर लिया। अब ये जो हमने जॉइंट करा इसको हम आगे ले आएंगे ऐसे। ऐसे हमने कर लिया ये आगे, ये वाला धागा आगे को कर दिया। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये धागा फिर हम पीछे की साइड कर देंगे ऐसे, फिर आगे लाएंगे ये वाला धागा और बीच के 25 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 25 धागा पीछे करेंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 डिजाइन के। तो एक गोला अब यहाँ अटैच करेंगे हम ऐसे दोनों साइड, तभी हमारे अलग अलग गोले हमने लगाए हैं। अब देखिए अब ये जो हमने गोला लगाया ये वाला धागा हम आगे की साइड को ऐसे क्रॉस करा देंगे, इसको बनाएंगे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 और ये वाला हम फिर क्रॉस करके ऐसे पीछे को कर देंगे। अब ये वाला धागा आगे लेके आएंगे और ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4
पाँच और एक छः। अब देखिए, अब उल्टी सिलाई, ये छः फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे। ऐसे हमने छः धागे यहाँ पे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे तीन धारियाँ हमारी बन के आई हैं, मतलब छः सिलाइयाँ हमारी ये बन गई है। अब सातवीं सिलाई देखिए कैसे बनाएंगे हम। पहले छः फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः। अब धागा पीछे करेंगे ऐसे, और एक दो तीन फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे। अब यहाँ से हम देखिए ऐसे डालेंगे, और ये वाला फंदा ऐसे निकाल के ऐसे निकालेंगे इसको, और यहाँ पे हमने ये इसी कलर से अब इसको दोबारा से बना देना है। और अगले फंदे अब हम ऐसे तीन इस साइड, तीन अब इसके डिजाइन के फिर से बनाएंगे तीन, तो ऐसे हमारे बन गए। अब बीच के 25 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, फिर दूसरी साइड वाली बटरफ्लाई भी हम ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ बीच वाले फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। एक बार फिर दिखा देती हूँ कैसे बनाएंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड, 25 फंदे हमने बना लिए, ये हो गए हमारे। अब तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे सात में से, दो तीन। अब देखिए ये वाली सिलाई हम ऐसे सभी फंदों के नीचे से डालेंगे, और ये वाला फंदा ऐसे उतार के इसके नीचे से ऐसे ले आएंगे, और इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे, और जो धागा हमने बटरफ्लाई के लिए लगाया था उसी से बना देंगे। अब तीन फंदे फिर हम सीधे बनाएंगे, और छः फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, तीन चार पाँच और लास्ट का फंदा सीधा। अभी उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उल्टी सिलाई पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। फिर मैं शुरू से फिर से दोबारा से डिजाइन डालना बताती हूँ। तो ऐसे हमारे आठ आठ सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट होता है। तो ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ पहले। अब देखिए दोबारा से हमने डिजाइन बनाना है बटरफ्लाई का। तो देखिए एक दो तीन चार, चार आठ, आठ सिलाइयों में हमारी एक बटरफ्लाई बन गई। तो ऐसे ही हमें दोबारा से बनाएंगे। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः फंदे हमने बना लिए। अब फिर से हमने वही कलर आगे लेके जाना है, ऐसे छोड़ देना है, और एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हम ऐसे बना के इस धागे को फिर पीछे छोड़ देंगे, और ऐसे क्रॉस करके इसको आगे लेके आएंगे। बस फिर से हमने वही यहाँ पे सारी सिलाइयाँ बनाते जाना है, आठ आठ सिलाइयों का ये डिजाइन बनता जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे अपनी एड़ी रखिए, और पंजे तक आप इसको नाप लीजिए अपने पैर के हिसाब से, और फिर मैं उंगलियों का बनाना बताऊंगी, अंगूठा और उंगलियों वाला पार्ट। तो ऐसे इसकी लेंथ आप कंप्लीट कर दिए, छोटा बड़ा जितना आपका पैर है उसी हिसाब से आप एड़ी पे रखिए, और ऊपर तक इसको बना लीजिए, फिर मैं अंगूठे बनाना बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है इसकी, दो तीन चार पाँच छः सात डिजाइन बनाए हैं। तो एक बार हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे, और एक बार हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे। तो देखिए
अब हम यहाँ पे अंगूठा बना रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे हमने बना लिए। अब आगे का हम नहीं बनाएंगे। अब देखिए, अब हम 14 सिलाइयाँ यही बनाएंगे ऊपर तक, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। इस तरीके से आप 14 सिलाइयाँ बना लीजिए। 15वीं और 16वीं सिलाई में आपको बनाना बताती हूँ। बस उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए, 2 हो गई, ये 3। तो ये मैं बना लेती हूँ इस तरीके से 14 सिलाइयाँ। अब देखिए फ्रेंड, 14 सिलाइयाँ मैंने बना ली है। अब देखिए, 1, 2, 3, 4 जितने फंदों से आप एक बना सकते हैं उतने यहाँ पे बना लीजिए। थोड़ा सा इनको ऐसे लूज कर लीजिए। और देखिए, ऐसे एक फंदा बना लिया, बीच के फंदों को ऐसे बना देंगे। और लास्ट में भी 3 या 4 फंदों का आप एक बना दीजिए। ये देखिए, 3 का 1 बना दिया मैंने लास्ट में भी हमने ये। अब देखिए, ये जो पहला फंदा है इसके ऊपर हमने सभी फंदे ऐसे गिरा देने हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इसके साथ ही हमारा ये अंगूठा बनके कंप्लीट हो गया। और एक बार फिर इसको हम बना देंगे, ये देखिए। और अब थोड़ा सा धागा यहाँ पे सिलाई करने के लिए छोड़ देंगे और बाकी को काट देंगे ऐसे। देखिए, टाइट कर दिया हमने, तो ये हमारा अंगूठा बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इतना सा धागा काट लीजिए। अब धागा काटने के बाद देखिए, उंगलियों के लिए बनाएंगे, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे बनाएंगे और बीच में 3 का 1 करेंगे। तो देखिए, 15 फंदे ऐसे बना लीजिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे, पहले 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 को बनाएंगे और फिर इन 2 को ऊपर से उतार देंगे और फिर 15 फंदे हम ये बना लेंगे। दस, 11, 12, 13, 14, 15 उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। और फिर अगली सीधी सिलाई पे एक बार फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी भी हम वैसे ही 14 सिलाइयाँ बनाएंगे, ये सॉरी 15 सिलाइयाँ बनाएंगे और 16वीं सिलाई पे हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई। अब फिर देखिए, अब हम 14 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 करा था और ये 14। अब ये बीच वाला फंदा और ये दोनों ऐसे स्लिप करेंगे, ये बनाएंगे और इन 2 को ऊपर से उतार देंगे, फिर 14 फंदे बनाएंगे। हमेशा यहाँ पे हमने 3 का 1 करते जाना है हर एक सीधी सिलाई पे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको आगे। अब देखिए फ्रेंड,
ये नौ फंदे इस साइड बचे हैं, नौ इस साइड और बीच में एक फंदा है। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सिलाइयाँ बना ली और पंद्रहवीं सिलाई पे मैं ये सभी फंदे ऐसे बंद कर दूँगी। तो ये देखिए सभी फंदे मैंने बंद कर दिए और ये लास्ट वाला फंदा है जिसके अंदर से हमें निकाल के अब थोड़ा सा धागा यहाँ से काट देंगे सिलाई के लिए। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे तो ऐसे उल्टा करेंगे बाहर की साइड ऐसे। पहले हमें अंगूठे वाला सिलेंगे ऐसे, देखिए सुई में ऐसे धागा डाल लीजिए और अब अंगूठा सिलेंगे हम। तो देखिए ये डिजाइन से हमने डिजाइन मिलाना है ऐसे और इसकी सिलाई ऊपर से नीचे तक कर देनी है दोनों साइड से ऐसे। तो देखिए यहाँ तक इसकी सिलाई होगी जहाँ इसका डिजाइन है, डिजाइन से डिजाइन का ये हम यहीं छोड़ देंगे। जब ये उंगलियों वाला सिल के नीचे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे नोट लगा देंगे और इस वाले धागे को भी काट देंगे। पहले हम बीच में धागे लेके आते हैं, सेंटर में धागे को ऐसे थोड़ा सा सेंटर में लेके आइए और अब इसकी सिलाई कर देंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ से यहाँ सिलाई करेंगे इसकी पहले। अच्छे से मिलाते हुए सिल लेना हमने, देखिए इसकी सिलाई हो गई। अब ये यहाँ डिजाइन से ये डिजाइन ऐसे मिला के इसको भी सिल देते हैं नीचे तक। ऐसे आप इसको सिल दीजिएगा, देखिए यहाँ डिजाइन से हमने डिजाइन मिला लिया। अब इस धागे के नोट यहाँ पे लगा दीजिए, अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा ये देखिए। अब हमने यहाँ जितना आपके पाँव को टाइट लगे वहाँ तक आप इसकी सिलाई कर लीजिए। तो मैं दो तीन चार चार डिजाइन छोड़ के ये सिल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह धारियाँ छोड़ के इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो सिलाई भी हमने ऐसे ही करनी है बराबर, देखिए दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी ऐसे।
तो जहाँ तक आपके पाँव को टाइट लगे आप वहाँ तक इसकी सिलाई कर लीजिए। तो अब मैं सीधा करके देखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने इसको सिल लिया है। देखिए अब यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे। एक और सिलाई कर देते हैं थोड़ी सी। दो बार धागा घुमा के इसको अंदर की साइड अब हमने पक्का करना है। यहाँ पे दो बार घुमा लीजिए और धागे को काट के फिर हमने बैक पार्ट वाला इसकी सिलाई भी करनी है। देखिए यहाँ से नीचे ये मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक। अब देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक इस तरीके से हमारी सॉक्स बन के आई है, बहुत ही सुंदर और डिजाइनर। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा छोटा आप बना सकते हो। जैसे ये मैंने बनाई है 6-7 नंबर के लिए, तो मैंने इस पर 7 डिजाइन बनाए हैं। आप डिजाइन बढ़ा के या घटा के छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अंगूठे और उंगलियों का सेम ही बनेगा और फंदे भी सेम ही डलेंगे। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।